हेलो फ्रेंड्स, दस्तरखाने वारसिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया। तो आज हम बनाएंगे सैंडविच, वो भी कच्चा सैंडविच, यानी हमें उसे सेकना नहीं है, पकाना नहीं है, और उसके अंदर डालेंगे अवाकाडो। एक ये ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही फायदेमंद है, तो इससे हम आज बना रहे हैं रॉ सैंडविच। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है अवाकाडो। ये एक फ्रूट है जो कि बहुत ही फायदेमंद है, और इसको भारत में मक्खन फल कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर अलग कर लूँगी, इसके गूदा जो है वो निकाल लेंगे। इसमें सीड जो है वो बहुत बड़ा साइज़ का होता है, देख रहे हैं आप कितना बड़ा इसका बीज है, और ये भारत में नहीं उगता। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, अंदर का इसका गूदा निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होता है दिखने में, ऊपर से इतना कड़क होता है ना, लेकिन अंदर इसका जो गूदा है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे अच्छे से, एकदम मक्खन की तरह बन जाएगा, और फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा तैयार है बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है कुछ ककड़ी काट ली है, कुछ टमाटर काट लिए हैं, और इनको भी हम क्या करेंगे, ब्रेड पे लगाएंगे सैंडविच के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्रेड रख दिया है, उस पर लगाएंगे ये अवाकाडो यानी कि मक्खन फल का पेस्ट। बहुत इजी, आसानी से लग जाता है, बहुत ही। और दूसरे वाले पे भी हम इसको इसी तरह से लगा देंगे। तो ये दोनों अप्लाई होने के बाद यहाँ पर मैंने इमली और पुदीने की चटनी ली है। ये थोड़ी सी खट्टी है लेकिन बहुत टेस्टी इसकी वजह से लगता है। ऊपर से हम यहाँ पर ककड़ी लगा रहे हैं। आप अपने पसंद के और भी कोई फ्रूट्स सब्जियाँ डाल सकते हो इसके अंदर। ऊपर से फिर हम टमाटर भी डाल रहे हैं इसके अंदर। टमाटर लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे पत्ता गोभी के, जो ऐसे हमने एक एक पत्ते अलग अलग कर लिए हैं और मोटा साइड को काट के निकाल दिया है। तो इस तरह से पत्ता गोभी को रखने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे चीज़ स्लाइस। ये बहुत आसानी से मिल जाता है, जहाँ पे भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना, वहाँ पे ये आसानी से मिल जाता है। तो ये चीज़ स्लाइसेस भी रख दिया है हमने। अब इसके ऊपर जो हम ब्रेड लगाएंगे, उसके ऊपर भी हम पहले चटनी लगा लेंगे, क्योंकि चटनी की वजह से ही ये सैंडविच बहुत बेहतरीन लगेगा। इमली पीसी है मैंने इसके अंदर, और देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको जमा दिया है। दूसरे ऊपर भी हम लगा देंगे। और ये दोनों सैंडविच हो गए रेडी। इसके ऊपर हम डालेंगे सेव। ये सेव भुजिया सेव है आलू के, ये बहुत ही कुरकुरे होने की वजह से आप अंदर भी डाल सकते हो ये, लेकिन ऊपर से ये बहुत ही कुरकुरा फ्रेशनेस लगता रहता है खाते वक्त। तो इसके दो पीस हम कर लेंगे। अगर आपके पास आलू के चिप्स हो तो वो भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके साथ खाने के में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है। ये अंदर से टेस्ट ऐसे भी बहुत इजी बन गया हमारा ये सैंडविच, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फायदेमंद है ये। तो देखिए तैयार है। तो बस अब हम इस पर डालेंगे सॉस के साथ हम इसे खाएंगे, क्योंकि अंदर चटनी ऑलरेडी लगी हुई है, और ये चार चार मतलब दो दो पीस में हमने कर लिए, यानी चार पीस यहाँ पर हो गए हैं। तो इसके ऊपर हम डालेंगे अभी सॉस, केचप भी डाल सकते हो, टोमेटो सॉस डाल सकते हो, आप घर की पिसी भी सॉस भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा रेडी है, और इतना बेहतरीन दिख रहा है ना, खाने के लिए तैयार है ये।
बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं। ये सैंडविच बनाना इतना इजी है। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया हुआ है जो कि बहुत ही सॉफ्ट था, और इसके ऊपर भी हम डाल दे रहे हैं सेव। जितना सेव ज़्यादा डालेंगे उतना ये टेस्ट और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये खुद भी एक चटकदार होता है ना, कुरकुरा होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा एक रेडी है सॉस, हम इसके ऊपर डाल दे रहे हैं। अब खाने की तैयारी हो रही है, तो सॉस इस तरह से डाल डाल के फिर अपने अपने पीस को खाएंगे लोग। तो यहाँ पर ये मेरा पीस है जो अब मैं इसको सॉस डालने जा रही हूँ। सॉस के साथ ये बहुत टेस्टी लगेगा। टोमेटो केचप है ये। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये सैंडविच? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।